हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन देखते हैं। जो मोशन है वो तीन तरीके से संभव है। फर्स्ट, हमारे द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को खींचे जाने पे या तो पुश किए जाने पे। एग्जांपल देखें तो यदि हम किसी टाली या ढाले को खींचें या किसी बॉल को पुश करें तब हो सकता है। सेकेंड रीजन है ग्रेविटी के कारण। अर्थ के ग्रेविटी के कारण भी मोशन होता है। किसी बॉल को हम ऊपर फेंकें वो अपने आप ही नीचे आ जाता है ग्रेविटी के कारण। थर्ड है जो वो है स्पेस। स्पेस में स्टार होते हैं, मून होते हैं, सेटेलाइट होता है, अर्थ होता है, अन्य प्लैनेट होते हैं जो कि किसी न किसी स्टार के अराउंड मूव करते हैं। अगर सेटेलाइट है तो वो प्लैनेट के अराउंड मूव करता है। यही तीन तरीके से संभव है मोशन। अब बात करें फोर्स क्या होता है, तो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को पुश किया जाए या तो प्रेस किया जाए या तो एक्सपेंशन किया जाए, कहने का मतलब उसे खींचें उस पर या दबाव डालें, उसी को बल कहते हैं, फोर्स कहते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ फोर्स की बात करें तो दो टाइप्स के फोर्स होते हैं। फर्स्ट कॉन्टेक्ट फोर्स, सेकेंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स, दो सरफेस के बीच जो फोर्स अप्लाई होगा उसको कॉन्टेक्ट फोर्स कहते हैं। इसका एग्जांपल है फ्रैक्शन फोर्स, विस्कोसिटी फोर्स, इलास्टिसिटी फोर्स। फ्रैक्शन फोर्स, यदि हम बात करें बाइक और सड़क के बीच जो फोर्स लगेगा उसको फ्रैक्शन। अगर हम विस्कोसिटी फोर्स की बात करें तो अगर हम एक तेल ले लें और उसमें देखें तो उनके सरफेस के बीच में एक फोर्स लगता है जिसको विस्कोसिटी फोर्स कहते हैं। और इलास्टिसिटी फोर्स की बात करें तो जब हम किसी रबर को एक्सपेंस करें फिर उसको सिकुड़ा दें, एक्सपेंस करें फिर छोड़ दें, तो उनके बीच में भी फोर्स लगता है जो कि इलास्टिसिटी फोर्स होता है। सेकेंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, यह एक ऐसा फोर्स है कि ये बिना सरफेस के कॉन्टेक्ट में आने पर लगता है। एग्जांपल में बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिसिटी फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटी फोर्स अपने आप ही लगता है, इनविजिबल होता है। मैग्नेटिक फोर्स भी इनविजिबल होता है और इलेक्ट्रिक फोर्स भी इनविजिबल होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इनर्शिया, कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है।